मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीकर के सीएलसी संस्थान में पंडित हरिनाथ चतुर्वेदी और संत शिरोमणि मखणीनाथ जी महाराज की मूर्तियों के अनावरण समारोह में कहा कि प्रदेश सरकार का प्राथमिक लक्ष्य युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। उन्होंने पेपर लीक मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा और अब तक 157 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि युवाओं को धोखा देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए यमुना जल समझौता, ERCP और देवास परियोजनाओं पर काम जारी है। शेखावटी क्षेत्र को जल्द ही यमुना का जल भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सीकर के लिए विशेष घोषणाएं करते हुए कहा कि 100 करोड़ रुपए से खाटूश्याम कॉरिडोर का विकास और सीकर ITI में नए तकनीकी ट्रेड्स की शुरुआत की जाएगी। साथ ही वेद विद्यालयों के शिक्षकों का मानदेय बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति माह किया जाएगा। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आयोजित रोड शो के दौरान शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी और अन्य प्रमुख नेता उपस्थित रहे।